ये जो गुंडे लोगों को मारने की बात करता है, हाँ। ये गुंडे लोगों को बिठाता है इधर। जितेंद्र रावत साहब का इतना नाम है कि गली कुच्ची के अंदर तो हर कोई आ जाता है, लेकिन अगर एक गरीब तकलीफ में तो कोई क्यों नहीं आता है। कितने सिर्फ एग्रीमेंट के नाम बदले हो रहे, बिल्डर बदले हो रहे, इसके अलावा कुछ हो रहा नहीं। रशीद बोलता तू ज्यादा दो पांच मत कर, तुझे जो उखाड़ने का उखाड़ ले, फिर मैं तेरे क्या लगा तो देख ले। जोशी परिवार ने जीपी बिल्डर मोहम्मद रशीद पे लगाए गंभीर आरोप। आज मुमरा शहर के अंदर जिस तरह से पूरा मुमरा शहर टच में है, तो ये रशीद भाई को भी मदद करनी चाहिए और ये जोशी परिवार को भी मदद करनी चाहिए। क्या ये गलती थी जोशी परिवार की जो उन्होंने डेवलपिंग के लिए दिया था? समझौता यानी कि करारनामा हुआ था उस बीच, लेकिन अभी तक उनको फ्लैट नहीं मिले। ये खबर है अचानक नगर में अंबेडकर मोहम्मद रशीद अंबेडकर नगर में एक डेवलपिंग पे जगह ली थी, लेकिन ये जोशी परिवार को अभी तक वो फ्लैट नहीं दिला पाए। बहुत सारे मामले हो रहे हैं वहाँ पर। जोशी परिवार में जो महिला है वो कैंसर से पीड़ित है, उसके ऊपर कोई भी रहम करेगा? क्योंकि आने वाले समय में कितनी उनकी ज़िंदगी है कोई नहीं बता सकता है। कैंसर यानी कि कैंसल हो जाता है। अब ये जीपी बिल्डर मोहम्मद रशीद ने सोचना चाहिए कहीं ना कहीं से उनके घर का इंतज़ाम कर दे, जो भी उनके साथ करारनामा हुआ है। हमने जीपी बिल्डर मोहम्मद रशीद से भी बात की है, उनका भी पक्ष हम रख रहे हैं। पहले जोशी परिवार, उसके बाद में जीपी बिल्डर मोहम्मद रशीद की भी सुनिए आप। आज हमारे साथ एक परिवार मौजूद है, जोशी परिवार है, उस परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद है और उस परिवार की एक जिम्मेदार महिला जो आज कैंसर से पीड़ित है। माँ, क्या है पूरा माजरा, किस तरह से आप लोगों को ये आपकी ज़मीन, ये आपकी जगह बन गई दो माले की बिल्डिंग, फिर भी क्यों नहीं मिला आपको दो रूम से तीन रूम, जो भी आपके पास एग्रीमेंट है, तीन रूम का आपके साथ में एग्रीमेंट किया गया था, क्या है हकीकत? तो आज कल का फोन लगा तो फोन भी नहीं उठा रहा, इधर कुछ आता ही नहीं ज्यादा करके। कितने साल से ये बिल्डिंग का काम? ये बिल्डिंग का काम कम से कम आज 9 साल हो गया। 9 साल से अभी तक दो माला बना पाया? हाँ। तो अभी तरफ हो गया, दूसरे को गुस्सा था लेकिन मेरा जो रूम देने का वो मेरे को दे नहीं रहा है। आपके पास कितना रूम का एग्रीमेंट था? मेरे पास 3 रूम का एग्रीमेंट है। बाबू का 1 रूम का है, तुम्हारा 2 रूम का है। आज आप तुम कैंसर पीड़ित हो, तो किस तरह से मतलब अब शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे आप, जो मुमरा शहर के अतिक्रमण विभाग के है सागर सालोंकी जी, किस तरह से आप उनसे निवेदन करेंगे? जगह आपकी जगह ना देते हुए ना रूम दिया, ना कुछ एग्रीमेंट के ऊपर जो उसने करारनामा किया था वो भी नहीं दिया, तो आप ऐसे साहब लोगों से मिलकर क्या अपील करेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा जो रूम है वो मेरे को दे दो। और आज 9 वर्ष से मैं पेशेंट पहले मेरे को पैसा पाने में दवा पाने के लिए मैं एकदम राशा लौड़ा था, मेरे को मेरा हिसाब करो। जो इंसान को तुम लोग देते पैसा भाड़े से, भाड़ा देते है वैसा, मेरे को भाड़ा भी मांगता है मेरे रूम का और मेरा रूम भी मांगता है। अच्छा, तो ये रूम क्यों नहीं मिला आपको? उन्होंने तो बना दिया दो माला। बना दिया लेकिन वो उसमें डावर तो दूसरा आदमी घुसा देता है। अच्छा। और हाईवे डिपॉजिट के ऊपर दे देता है। अच्छा अच्छा। और मेरे को आजाद कर 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 करके इतना मेरे को इतना दिन लगाया उसने। यदि आपको सीएम साहब से मिलने का मौका मिलेगा तो आप क्या उधर प्रस्ताव रखेंगे, क्या बताएंगे आपकी जगह के बारे में, सच्चाई क्या बताएंगे आप? एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र शासन के सीएम है, तो यदि आप उनसे मिलेंगे तो किस तरह से ये मतलब शिकायत करेंगे आप? मेरा शिकायत यही है कि मेरा जो है एग्रीमेंट बनाया वो मेरे को दे दो, बाकी मेरे को क्या करने का। बाबू कैसा बताएगा किस तरह से? माँ की एक दहाड़ है और लोगों तक संदेश है किस तरह से ये जो आपके साथ हुआ है, तो इसको आप क्या समझते हो?
देखो मेरे को तो इतना, मैं काम धंधे पे रहता हूँ, मेरे को टाइम इतना रहता नहीं है। आज जब भी मैं घर पे रहता हूँ तो मेरे मुँह को माँ मेरे को दो चार बार बहुत बार बोली है कि देखो बिल्डर ऐसा है, मेरे को कुछ दे रहा नहीं है या कुछ नहीं रहा। मैं फिर भी ना वो बिल्डर को दो चार बार फ़ोन करा, बोला भाई तुम कब दे रहे हो, क्या दे रहे हो, कब दे रहे हो। भाई मैं अब भी देता हूँ ग्राउंड फ्लोर में, तो अब भी दे रहा हूँ, एक माले पे एक भी दे रहा हूँ, दो माले पे अब दे रहा हूँ। अच्छा वहाँ का काम हो गया, फिर बैक साइड में बोलता हूँ। नौ साल से अभी तक दे बस बस खाली ऑनली उसने, हाँ ऑनली उसने मेरे साथ धोखा ही करा। मैं उनको यहाँ तक पर्सनली पूछा, मतलब सर वो कैंसर पीड़ित महिला है, आपको भाई समझना चाहिए, कम से कम उनका तो दे दो, क्या क्या नहीं। मेरा भी एक रूम है उसके अंदर, वो जो मैंने मेरे भाई के नाम के ऊपर करा, मतलब भाई तुम दे दो, अभी दे रहा हो तो अभी। बीच में मैं यहाँ तक उसके घर भी रूम भी के ऊपर ना आया था, थोड़ा हथौड़ा लेके आया था गुस्से के अंदर, मैंने तोड़ना भी चाहा, तो उसने मुझे कुछ लड़के बिड़के लेके आके मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर बंद करा। अच्छा। मैंने उनसे ये भी पूछा था भाई मेरी गलती क्या है, मैं पुलिस वाले से भी पूछा मेरी गलती क्या है, लेकिन उन्होंने मुझे बस यही जवाब दिया, ए चुपचाप बैठ, ए चुपचाप बैठ, ओनली पुलिस वाले का ये जवाब था। तो मैं फिर भी पूछा हमारा रशीद भाई आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारी जगह हमारा एग्रीमेंट सब कुछ रखी भी, आप तो हमको कुछ नहीं मिले। बोलता तुझे जो करने का कर ले। अच्छा अभी फॉर एग्जांपल आप आने के पहले जस्ट उसका कॉल आया था, मतलब भाई कब दे रहे क्या रे, तो उसने मुझे क्या ला, मैं महमूद पठान से बात कर। अच्छा। महमूद पठान कौन है भाई? अच्छा। मैं तो उनको जानता नहीं हूँ, मैंने तो रशीद, हाँ रशीद के साथ है, तो मेरा एग्रीमेंट रशीद के साथ है, मैं महमूद पठान कौन है, उसको क्यों जानू क्यों पहचानू। तो मुझे धमकी दिया कुछ कुछ राष्ट्रवादी कहे, तो ठीक है मैं भी राष्ट्रवादी वाला हूँ, मैं भी जीतन रावत साहब की इज्जत करता हूँ, एकनाथ शिंदे साहब की भी इज्जत करता हूँ, तो मैं तुमसे क्यों लड़ूं, मुझे किस बाप का डर है। अगर ये तुम्हारी होती एक खोली भी तो तुम लोग दूसरे को क्या करते है, छोड़ देते क्या? आपकी जगह होने के बाद में भी आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, बेघर किया जा रहा, और हम बोलने जाए तो हमको दादागिरी करी जा रही। ये रशीद को मैं मुंह पे बोला हूँ, और एक बार नहीं सौ बार बोला, जितने बार भी बोला हो ये रशीद को खुद पूछ सकते हैं कि उसने मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाके जमा कराया। अच्छा। क्यों जमा कराया, मेरी क्या गलती, मैं मेरी माँ के लिए, मेरी माँ कैंसर पीड़ित महिला है, मेरे भाई वो काम धंधे पे रहते, एक भाई रिक्शा जा, कोई कोई बड़ा नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ भी नहीं है, सब लोग रोज कुआ खोदो रोज पानी पियो उसके ऊपर काम करते है, तो हम आपसे क्यों डरे यार, क्यों आपके लिए बजट। अब जो काम चालू है तीसरे माले का, सेटरिंग वगैरह लग चुकी है, तो ये रशीद ही कर रहा है कि किसी और को दे दिया? देखो इधर तो रशीद रहता है, बट वो नाम करता है महमूद, महमूद पठान का या महमूद कोई तो है सलिया वाला करके वो बोलता हो, उसका नाम लेता, बट मुझे नहीं पता वो कौन है। मैंने तो एग्रीमेंट रशीद के साथ करा था, और रशीद के साथ एग्रीमेंट करा था, मुझे रशीद ने क्या बोला था, 1,350 square feet इनका जो 1,300 square feet है वो मैं दे दूंगा। कब देगा? बस अभी देते रह गया ना, वो 9 साल से अभी, हाँ उसे लॉलीपॉप दे दिया, वो 9 साल से खाली लॉलीपॉप दे रहा सिर्फ 9 साल में। हाँ और अपन अगर कुछ करने आए तो दादागिरी करता, मैं इसको लेके आऊंगा उसको लेके आऊंगा, मैं मुझसे बात कर उससे बात कर। तो ये बिल्डर है कि गुंडा है? ये गुंडा ही है, तो इसके ये बिल्डर ही कैसे निकलेगी, इसकी गुंडागिरी आप लोग की तरह से निकलेगी। माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री, मैं उनसे आवेदन करना चाहता हूँ, ये मुंब्रा के अंदर बिल्डर लोग फुल धतिंगिरी कर रहे ले, जिसका देने का उसको कुछ तो दे रहे नहीं है, और अगर बोलने जाओ तो कुछ तो आवाज़ बंद कराई जा रही है। तो मैं आवेदन सिद्ध कर रहा हूँ, और महाराष्ट्र के हमारे पहले के जो गृह निर्माण मंत्री श्री जितेंद्र आव्हाड साहब से भी मैं आवेदन कर रहा हूँ कि आप भी इसके ऊपर ध्यान रखो। क्यों ये कोई, देखो मेरी अकेले की बात नहीं जो मैं रोज कौवा खाता रहा, लेकिन आज कोई कैंसर पीड़ित महिला है, कोई कल के दिन कोई भी महिला हो, सबका आदर, जिसका निवेदन है उनका आप सहकार करें, उनको आप निवेदन करता हूँ मैं आपसे कि आप उनकी इतनी सहकारियाँ करें कि उनको आप तक भी पूछने करें ना लगे, इंसाफ मिलना ही चाहिए। अगर हमको हर जगह पे, अगर न्यूज़ वालों को सबको बुला के, अगर ये सब चीज़ का अगर हमको इंतज़ार करना पड़ता तो मतलब क्या चीज़ का। तो आप लोग खुद आए, खुद देखे, या आपकी कार्यकर्ताओं को बताए कि इधर क्या तकलीफ है क्या नहीं है। सब कोई अपने अपने 5-10 हज़ार दो, 20 हज़ार दो, सब अपनी रोटी सेक रहे, उसमें काम नहीं होएगा। अभी आपको एक मोरेश्वर कीने का फोन आया था जो अभी माजी नगर सेवक हो चुके। देखो मैं माननीय श्री मोरेश्वर साहब की ने इनका मुझे फोन आया था, आपके सामने आया था, मैंने उनसे भी अपने बात कहा जा क्यों हमारे नगर सेवक है, तो उनसे बात, तो उन्होंने मुझे क्लियर बोले कि देखो पहली बात तो मैं उनसे बात जल्दी करता नहीं हूँ, फिर भी मैंने आज उनको सामने से फ़ोन करा था, लेकिन वो इंसान है जो मुझे रिप्लाई में ताबड़तोब कॉल करे, बोले तेरा क्या प्रॉब्लम है, मेरे को बता, मेरे को उसका नंबर भेज, मैं बात करता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात होती, एक कारपोरेटर हमारे लिए इतना कर रहा है, लेकिन आज ये अंदर, आज पूरे मुंब्रा के अंदर माननीय श्री जितेंद्र आव्हाड साहब का इतना नाम है कि एक गली कुच्ची के अंदर कोई भी तो हर कोई आ जाता है, लेकिन अगर एक गरीब तकलीफ में तो कोई क्यों नहीं आता है,
आना चाहिए ना, डेफिनेटली। परिवार के दूसरे भाई भी है, डेफिनेटली जानेंगे किस तरह से आपका ये जो प्रॉब्लम्स है इसको कैसा आपने देखा और ये क्यों खड़ा हुआ ये प्रॉब्लम। सर, मेरा नाम नरेंद्र जोशी है और बात ऐसी है कि एग्रीमेंट तो बनाए गए, बस एग्रीमेंट बनाए गए उसके ऊपर नए रूम दिया गया, बस एग्रीमेंट पे रूम नंबर डाला गया। एग्रीमेंट यानी सपना, बस एक सपना दिया गया, बस एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट, उस पे हमारा नाम था चिकला अपार्टमेंट, उसके पर बाद में लग गया संजेरी अपार्टमेंट। देखिए मेरे पास संजेरी अपार्टमेंट का चिकला अपार्टमेंट है, आप देखिए निदा पैलेस बोल रहे हैं, आप समझिए कितने सिर्फ एग्रीमेंट के नाम बदली हो रहे, बिल्डर बदली हो रहे, इसके अलावा कुछ हो रहा नहीं है। और हमको बस यही है कि रूम दिया, रूम के एग्रीमेंट बना के दिए जा रहे, रूम बोले क्या तो बोले बिल्डर को। सर कल एक मिनट, हम लोग ने जो भी कंस्ट्रक्शन करे इधर सबका नाम चिकले दिए, चिकले जिनकी रोज हमारे दादा है, नाना है, उनके नाम से हम लोग ने हर काम का बिल्डिंग भी दो बने, उनका नाम भी चिकले अपार्टमेंट लिखा हमने, इसका भी नाम चिकले अपार्टमेंट। अभी इन्होंने कब जाके नाम चेंज करे हमको पता नहीं, ये हमारा एग्रीमेंट बने, अभी ये निदा पैलेस ये पहले, ठीक है आपको जो भी रखने का रखो, हम तुमसे तो वो भी चीज भी बैस नहीं करें, पर कम से कम जो आपने जो कमिटमेंट करी थी वो तो दीजिए, जगह है उसका हक तो दे दो। आज तुम जो जगह वाले आज इधर कितने ना मेंटेनेंस वाले को पैसे खा गए ले, जितने जने बहुत से जन भाड़े कर उनका पैसे खा गए ले, बहुत से जनों को तकलीफ मिल गई इधर, लेकिन कोई बोलता इसलिए नहीं है। इसको किसका सपोर्ट है? उनको कुछ नहीं, यहाँ के कुछ गुंडे, कुछ दादागिरी, बाहुबली, इन लोगों का सपोर्ट है। और क्या बोलता है वो जब कोई बात आती हमको है? हमको मारने की धमकी मिलती सर। रशीद क्या बोलता है, किसका हमको नाम? हमको रशीद बोलता है, तू ज्यादा दो पांच मत कर, तुझे जो उखाड़ने का उखाड़ ले, फिर मैं तेरे क्या लगा तो देख ले। और आपने किसी का नाम लिया था कि उससे जाके बात कर, वो कौन? उसकी धमकी देता हमको। अच्छा, क्लियरली उसकी धमकी देता है, बोलता देखो नहीं मालूम वो बहुत बड़ा है। अरे भाई बंद कर दो सब, आजकल ये मुमरा है लोगों को तीन रूम मिलने से मतलब। हाँ। हमको हमारी प्रॉपर्टी दे दो, हमको हाँ। हमारी जगह दे दो, और तुम्हारे ये घटिया चाले ना कोई और जगह यूज करो। जी भाई, कितना टाइम दिया है पहले आपने? टाइम दिया, अपना काम ही बंद है दो ढाई महीने से। हाँ। ऊपर चालू हो जाएगा ना तो उनको दे देंगे। हाँ, वो तीन रूम का एग्रीमेंट किए थे ना? तीन रूम वो पहले था, अभी फिलहाल खाली एक ही रूम देने का है। अच्छा, ये आपका पक्ष है, उन्होंने बात की है, सारी चीजें हो चुकी है, आपका जो भी कहना है बोल दीजिए रशीद भाई। मैं बोला ना भाई, मेरे को फर्स्ट फ्लोर पे रूम देने का उनका एग्रीमेंट भी दे दिया हूँ, सब हो गया है, यानी रूम खाली करके उनको ताबा देने का है, वो अपना काम के लिए मेंटेनेंस पे डाले थे, उनके पास एग्रीमेंट भी है, उनकी लड़की के नाम पे डाल दिए थे। उन्होंने आप पे आरोप लगाया है कि दो मुझे रूम देना है, एक मेरे बेटे का जो एग्रीमेंट किया था। वो मैं अभी देखो हूँ नहीं सामने, मैं आऊंगा सामने तो बात करूंगा। पापा भाई बोल रहे ना? जी, दूसरी बात ये है कि रशीद भाई को जब आपसे बात करते हैं आप उनको बोलते हो? मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, मैंने साथ में किया हूँ काम ना, बोला रुको मैं उनसे बात करके बताता हूँ। अच्छा। कब तक बनेगा और कब तक देंगे, बस उतना ही बोला। और मेरा उनके साथ अच्छा रिलेशन है। हाँ। अभी फिलहाल वो थोड़ा गर्मा गर्मी में है ना, थोड़ा लेट हो रहा है, तो इसके लिए वो ऐसा कर रहे। अच्छा। तो मैं तो उनको पहले भी उनको रुके तो और रुको कहा जा रहा, तो मैं इतने दिन रुके तो और थोड़ा दिन रुक जाओ, मैं दे दूंगा। अच्छा, रूम खाली करके एक एक मसला हल कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक। अभी मैं भी तकलीफ में हूँ ना थोड़ा। जी जी जी, ठीक है, दे दीजिए उनको रूम, है ना? हाँ, इंशाल्लाह दे दूंगा, जल्दी दे दूंगा। अरे मेरा थोड़ा पैसे का मसला अटका है, हो जाएगा तो तुमको ही मालूम है, काम अटका रहता है तो सब परेशानी रहती है, माल वाले ये वाले सब परेशान करते हैं। हमको इधर बैठने को, हमको इधर घर नहीं मिल रहा है। हाँ, हाँ। और यहाँ पे माशाल्लाह देखिए, आप खुद देख रहे हैं, यहाँ पे तो ऐसा था टीबो बना है। अच्छा, तो ये किसका बंदोबस्त है? रॉक्स का, हम लोग का होटल। क्या ये चर्सी लोग का बंदोबस्त करके रखे ले? ये जो गुंडे आपको मारने की बात करता है, ये गुंडे लोग को बिठाता है। अभी आप खुद देख सकते हैं, देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आप खुद देख सकते हैं, देखो हथियार, ये इधर क्या कर रहा है? रेस्कॉप की बॉटल, ये इधर क्या कर रहा है? ये फॉरेक्स रेस्कॉप एल्मोन, ये चर्सी लोग, ये इधर क्या कर रहा है? ये इधर क्या कर रहा है? ये इधर क्या कर रहा? ये इधर क्या कर रहा? अगर इनफैक्ट मुझे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, एक रशीद जी में दौड़ लगा, और एनिमोर जो इधर कुर्ची लगे ना, ये कुर्चियों की इधर गरज क्या है? क्या करे ये कुर्चियों की गरज क्या है? तू हमको डराना चाहता?
ये इधर इन लोग की दादागिरी, कोई औरत माँ बहन इधर सुकून से रात को आ नहीं सकती ना जा सकती। दरवाजा लगा के सोते बेचारे लोग, 8 बज गए ना, औरत लोग कोई दरवाजा लगा सकती क्या लगे? अगर ये बिल्डर को पूछो, बिल्डर खुली धमकी देता है। मेरा रूम है बोले, मैं हम बिल्डर लोग से डरते नहीं है, हमको हमारा दे, तुझे बैठाने का ना तेरे घर में बेटा। हमारे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, बेल आइकन दबाना ना भूले।